पुलवामा हमले को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा दिए गए बयान को लेकर उनकी हर तरफ निंदा हो रही है। क्या क्या ये चाहते हैं कि आतंक के आगे घुटने टेक दिए जाएं? क्या चार आतंकियों की वजह से जिन्होंने हमारे जवान शहीद किए, हमारी पगड़ी पे दाग लगाया, हमें हताहत किया, क्या उनकी वजह से देश का विकास रुक जाएगा? क्या उनकी वजह से बाबा नानक की फिलॉसफी आगे नहीं बढ़ेगी? क्या उनकी वजह से आप ये चाहते हो कि दो देशों के प्रधानमंत्रियों के निर्णय लिए हुए वो स्कटल हो जाएंगे? तो फिर आप उनको तूल दोगे? तो फिर आप उनको बढ़ावा दोगे? इसीलिए यहां नवजोत सिंह सिद्धू पेश है कि ये देश का, इस सूबे का विकास कोई आतंकी गिरवी नहीं रखेगा। और ये जो आज अनाउंसमेंट्स हुई हैं, पिछले 70 साल देख लीजिए, क्या कोई ये दम रख के ये अनाउंसमेंट्स कर पाया है? एक एक देश को आतंकियों के आगे कोई झुका नहीं सकता, ये बात बड़ी स्पष्ट है। इसीलिए नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ है, घुटने टेकने वाला नहीं है। दूसरी बात जो मैं आपको आज करना चाहता हूँ, मेरी बात जो होती है ना उसको डिस्टॉर्ट किया जाता है, एक लाइन बोली जाती है उसमें से, उसको पूरी तरह से दिखाया नहीं जाता, क्योंकि बहुत लोग भयभीत होते हैं, समझ रहे हो ना, इनसिक्योर भी होते हैं। लेकिन मैंने यही कहा था, जो कल कहा था आज भी वहीं खड़ा हूं, कि आतंकवाद का ना कोई धर्म है, ना कोई मजहब है, ना कोई देश है, ना कोई जात है। और जैसे लोहा लोहे को काटता है, आग आग को काटती है, सांप जब डंक मारता है तो उसका एंटीडोट सांप का विष है, वैसे ही कुचला जाना चाहिए कहीं पे भी। और यही स्टेटमेंट कल थी, लेकिन इसमें से एक चीज उठा लेते हैं वो, और वो चीज उठा के फिर सुन, मैं आगे बता रहा हूं आपको, आगे मेरी पहली बात सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप जो निर्णय करें वो आपके ऊपर है, आप बहुत सयाने लोग हैं। जिस डायलॉग की बात की थी कि 70 साल से ये बंद नहीं हुआ, जब कोई पॉलिटिशियन जाता है तो शहर जाम हो जाते हैं, जब 3,000 जवान जाता है तो भाई ट्रैकर क्यों नहीं चलता? तो फिर भाई उन जवानों की जो हमारी सुरक्षा के लिए रात दिन लगाते हैं, उनकी सुरक्षा का ध्यान क्यों नहीं रखा जाता? और उसका एक डिमोरलाइजिंग इफेक्ट आता है, क्यों उनको बाय एयर नहीं ले जाया गया सवेरे 3 बजे से वो चलते? ये चिंतन के विषय हैं। सारा देश एकजुट होकर लड़ रहा है, लेकिन क्या इन 3-4 लोगों की वजह से आज करतारपुर साहब के कॉरिडोर पे क्वेश्चन मार्क लगेगा? प्रधानमंत्रियों के किए हुए निर्णय पे क्वेश्चन मार्क लगेगा? बाबा नानक भी बाबर से लड़े थे, बाबा नानक के चरणों की धूल है ये नवजोत सिंह सिद्धू, लेकिन बाबा नानक की फिलॉसफी क्या थी, क्या है, ये सारी दुनिया जानती। उस फिलॉसफी को एक इंच भी कोई नीचे नहीं कर सकता, और उस फिलॉसफी के लिए नवजोत सिंह सिद्धू ठोक के खड़ा होगा। एक मिनट आगे 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 बोल, एक मिनट बोल लें दिए, आप मेरे खत्म कर लें दिए, एक मिनट। दूसरी बात, आखिर में वंदे एक्सप्रेस प्राइम मिनिस्टर साहब ने उद्घाटन किया, आज हम भी वही कर, वही वही आगे आगे, मैं मेरी बात समझिए, उसके बाद एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन, वी आर नॉट क्वेश्चनिंग दिस प्रोग्राम, मेरे को खत्म कर लीजिए ना, मेरे को खत्म कर लीजिए फिर आप बोलिए। आगे ये कहना चाहता हूं कि मैंने ये कहा था कि जहां जहां ऐसा होता है वहां अच्छाई का द्वार खुला होना चाहिए और बुराई को कुचलना चाहिए। एक मिनट। तो भाई जो कल एम्बेसडर से हो रही थी वो क्या था? एक मिनट, सुनिए, मैं मेरी बड़ी सिंपल सी बात है, फिर आप जो करना चाहें कहिए करिए। यही कहा था कि भाई इसका परमानेंट सोल्यूशन निकलना चाहिए, जवान ही क्यों खून
से लखपत हों, क्यों शहादतें हों, इसका प्रिवेंटिव मेजर आना चाहिए, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। 71 साल से जो हो रहा है वो दोबारा क्यों हो ये, और ये कैसे हो सकता है, इसको इसको कैसे रोका जा सकता है। इंटरनेशनल प्रेशर जो कि कल हुआ, आप देखिएगा कि करीब 50-60 अम्बेसडर से मुलाकात हुई, कहां मैंने ये कहा है कि इनको सजा मत दो, कहां कहा है उसको, अगर आप डिस्टॉर्ट करके चलाना चाहते हैं, कोई चलाना चाहता हो तो वो आज भी कर सकता है, मुझे उसके कोई आपत्ति नहीं है, मेरी कॉन्शियंस बिल्कुल क्लियर। मैं लास्ट खत्म कर रहा हूं, उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और लास्ट चीज, मुझे बुलाया गया, न्योते भेजे गए, एक दोस्त के नाते में गया, प्रधानमंत्री जी तो बिन बुलाए चले गए थे। जब एक मिनट, होल्ड ऑन, ही वाज़ द प्राइम मिनिस्टर, जस्ट लिसन टू मी नाउ, यू आस्क्ड अ क्वेश्चन, लेट मी रिप्लाई। बिन बुलाए चले गए थे, वही जब भी उन्होंने भी डाली, ठीक है, एक मिनट, नो रिग्रेट, एक मिनट। उसके बाद वो वापस आए, पठानकोट हुआ, अटल जी जब गए, कारगिल हुआ, ठीक है, लेकिन जब उसके बाद यहां आया, वहां से कोई आवाज नहीं आई, समर्थन की आवाज आई और बाबा जी का लांगा खुला। और मैंने क्या कहा था, यही कहा था, तब लोग हंसते थे, आज वही लोग मेरे साथ गए, फिर वहां क्यों गए, ये जो लोग आज किरकिरी वाली बात करते हैं, ये वहां साथ में बैठे थे। देखिए कैप्टन साहब की बात, तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये इसी तरीके से रुक सकता है ये, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो मैंने सवाल किए हैं और जो मैंने आज कहा है कि 4 आतंकियों की वजह से ये देश का प्रोग्रेस नहीं रुक सकता, ये इस देश का सबसे बड़ा सिखों का जो कॉरिडोर है वो नहीं खुलेगा। मेरे लिए हमेशा ही देश पहले था, हमेशा ही, मैंने कहीं जिक्र ही नहीं किया, और हमेशा ये कहा मैंने, और मेरी पहली लाइनें सुन लीजिए कि इट इज अ कावर्डली एक्ट, कायरों का किया हुआ एक्ट है, उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, सांप को कुचलना चाहिए, कहां नहीं कहा भैया, उसका जवाब वो दे सकते हैं, मैं कहां से दे दूं, क्या बात कर रहे हो तुम, बिना मतलब के बात मत करो, इसका कोई जवाब नहीं। मैं कह रहा हूं सारे देश को जवाब दे रहा हूं, समझे, सारे देश को जवाब दे रहा हूं कि ये एक कावर्डली एक्ट, कल कहा आज कह रहा हूं, हमेशा अड़ा रहा हूं, इट्स अ कावर्डली एक्ट, इट्स अ कावर्डली थिंग टू बी डन, पीठ के पीछे वार करना, लेकिन इसके साथ ये भी कह रहा हूं कि ये बार बार क्यों दोहराया जाता है, हमारे जवानों की जाने बार बार क्यों जाती हैं। भाई जब कोई पॉलिटिशियन जाता है तो उसके साथ सारा शहर बंद हो जाता है, तो जब 3,000 जवान जाता है तो फिर ट्रैकर क्यों नहीं आता, सिक्योरिटी क्यों नहीं, जी जवाब देखिए, एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए, थमत ध्यान से समझ लीजिए, मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूं, देयर इज द गुड द बैड एंड द अगली हैव टू बी पनिश्ड। ये 4 लोग पूरे समाज को, ह्यूमैनिटी को, और अच्छे कार्यों को, 12 करोड़ लोगों को रैंसम पे होल्ड नहीं कर सकते, दे हैव टू बी पनिश्ड, दे हैव टू बी क्वेल्ड, समझे, ये मैं बार बार आपको कह चुका हूं। यही चीज जो है, एक मिनट, कल सुरजीवाला साहब ने कॉन्फ्रेंस की, ये चीज 1,000 गुना बढ़ गई है, तो 56 इंच का चीना कहां गया, मुझे आज बड़ा अफसोस है भी हमारे देश में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, हमारे 41 जवान
शहीद हो गए हैं, पर पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर को आज दोस्ती की बात याद आ रही है या उनको भी डायलॉग की बात कर रहे हैं, जहां हमारे इतने लोग शहीद हो गए, इतनी उनको दोस्ती की परवाह, दोस्ती का आलम है, तो वहां पाकिस्तान में क्यों नहीं जाके वजीर बन जाते हमारे हिंदुस्तान की लोगों के जख्म पे क्यों नून छिड़क रहे हैं। मैं आज कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से भी बात मांग करना चाहता हूं कि इसको अपने वजारत से हटा के देश के लोगों को जो इतनी बड़ी दुख हुआ है, जो इसने बात की है, वो कॉमेडी शो में चल सकती है, पर लोग 130 करोड़ का देश आज जिसकी हर हिंदुस्तानी की आंखों में नमन है, उनको बड़ा अफसोस की बात लगी कि भी इतना पंजाब का एक मिनिस्टर ऐसी बातें करे। इस ऐसे देशद्रोही लोगों को मेरे हिसाब से तो हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं मिलना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे जो जवान हैं वो देश की बॉर्डर पे अपनी देश की रक्षा के लिए, हमारे लोगों की रक्षा के लिए अपना बलिदान देते हैं। आप बुलेट प्रूफ कारों में घूमते हो, वो लोग बुलेट खा के आज देश के लिए हमारे लिए शहीद होते हैं, उनके आप नमकों के नमक छिड़क रहे हैं उनके जख्मों पे हम, ये बड़े अफसोस की बात है। ऐसे वजारत आपकी दोस्ती जरूर हो सकती है, तो पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन देश है, जो हिंदुस्तान में हमेशा ही ऐसी ऐसी वारदातें करता रहता है, आज इतनी बड़ी बात जो हुई है, आज इसके लिए पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, ना कि दोस्ती का आलम रखना है। देश पहले है, दोस्ती सब बाद है, हम हिंदुस्तानी हैं। इसलिए मैं आज फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से मांग करनी चाहता हूं भी इसको अपनी वजारत से निकाल के, जो लोगों को आज दुख हुआ है, जो लोग आज हिंदुस्तान के लोग जो मीडिया में देख के, अखबारों में देख के हताश हुए हैं, उनको भी पता लग सके भी जो देश का खिलाफ बोलेगा उसका यही असर होगा, ये मैं मांग करना चाहता हूँ आज आपके माध्यम से।